नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुमेठा मुख्य हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बॉडीगार्ड ने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को दिया अंजाम। नवगछा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी जजल यादव सहयोगियों के साथ गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। दो साल बाद मस्जिदों में हुई अलविदा की नमाज। रोजेदारों ने मुल्क में मांगी अमन चैन की दुआ। सदर एसडीओ के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने वालों को दी चेतावनी। और अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर बड़े भाई ने मां और छोटे भाई पर चाकू से किया हमला। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज बात थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमेठा पंचायत के मुखिया अनीता देवी हत्याकांड मामले का डीएसपी गौरव कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि पिछले 31 मार्च को मुखिया अनीता देवी की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें बात थाना क्षेत्र के महक कुमार झा और खगड़िया प्रवत्ता थाना क्षेत्र के दीपक कुमार को पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में हुई पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं डीएसपी ने कहा कि मामले में पुलिस टीम द्वारा की गई गहन जांच पड़ताल के क्रम में घटना को मुखिया के प्राइवेट चालक महक कुमार झा के द्वारा अंजाम देने की बात सामने आई है। एफएसएल टीम द्वारा घटना के जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी महक कुमार पंचायत के कार्य को अपने हाथों में लेना चाहता था, लेकिन मुखिया अनीता देवी ने इसका विरोध किया था। जबकि आरोपी महक कुमार ने घटना से कुछ दिन पूर्व मुखिया के देवर अरुण को भी डराया धमकाया था। डीएसपी ने बताया कि घटना में शामिल सभी षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया जा रहा है और गिरफ्तार दोनों आरोपी से मिले जानकारी के अनुसार हर एक बिंदुओं पर पुलिस टीम जाँच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला एवं सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में 30 नामजद और 70 अज्ञात ग्रामीणों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। कुमेठा पंचायत में अनीता देवी, उनकी हत्या का जो है सूचना मिला लोकल थाने को और तकरीबन 9 बजे, और शीघ्र थाना जो है वो पीओ पे पहुंचा। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया वहाँ पर और जो डेड बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मौके वारदात से दो लोग गिरफ्तार हुए, मोहक कुमार और दीपक कुमार। मोहक कुमार श्यामपुर के रहने वाले हैं और दीपक कुमार परबत्ता के रहने वाले हैं। ये मोहक कुमार जो हैं वो अनीता देवी के प्राइवेट ड्राइवर थे और बॉडीगार्ड थे, मतलब सब कुछ वही संभालते थे। और दीपक जो है वो परबत्ता का रहने वाला है, मोहक का ये मामा का दोस्त है। तो जैसे ही दीपक ने भी कन्फेस किया, जो कन्फेशन आया इन्वेस्टिगेशन में, कि मोहक ने दीपक को बोला कि मैंने ये हत्या कर दी है और तुम मतलब जल्दी से यहाँ पे मुझे बचाने आओ, दीपक के कन्फेशन में भी ये आया है। और मेन जो अभी मोटिव है जो इस कांड का, उसमें मोहक जो है, मोहक कुमार, वो चाहता था कि सारा काम जो है वो हैंडल करे और उसे मिले, जिसे जो मुखिया हैं वो ऑब्जेक्ट करती थी, वो इसके विरोध में थी इस चीज़ के। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रहा कि उनकी हत्या का। नवगछिया पुलिस ने नदी थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश जजल यादव को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने राइफल, देसी कट्टा और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की है। शुक्रवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के विस्तारपूर्वक जानकारी दी। एसपी ने कहा कि जजल यादव अपने साथी राणा यादव, सुनील हरिजन और वीरेंद्र शर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिंहकूट से कोसी नदी पार कर ढोडिया आने वाला था, जिसकी गुप्त सूचना मिली थी। एसपी ने कहा कि सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम में शामिल अधिकारियों ने बदमाश जजल यादव और उसके सहयोगियों को मौके से दबोच लिया। उन्होंने कहा कि जजल यादव पर नदी थाने में 5 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए अपराधी के पास से एक ऑटोमेटिक राइफल, 2 देसी कट्टा, 52 जिंदा कारतूस, स्मैक और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर रही है। टेकुना दियारा में रवीश की हत्या की गई थी, जिस संबंध में नदी थाना कांड संख्या 12 दर्ज किया गया था।
घटना काफ़ी गंभीर था हमें, तो हम लोगों ने उसी समय गठन किया था SIT का और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जब पहले भी 2 गिरफ्तारियाँ उस केस में हो चुकी थी। इसका जो मुख्य अभियुक्त था जजल यादव, ये जानकारी हम लोग कल मिली कि ये अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ मोटरसाइकिल पे सीकुन साइड से नदी पार करके वो ढोरिया गांव आने वाला है। जानकारी मिलते ही हम लोग टीम में जो अन्य पदाधिकारी थे उनको लगाया गया सत्यापन, खबर सही निकली और ये लोग वहाँ पे रास्ते में पूरा कॉर्डन किए हुए थे जहाँ पे ये जजल यादव गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तारी के बाद उसे जब चेक किया गया उसके पास से एक कट्टा लोडेड और कुछ कारतूस, और ये लोग नशापान काफ़ी कर, इस ग्रुप में जो चला पता पूछताछ करने से ये लोग स्मैक उसमें का काफ़ी प्रयोग करता है, पीता होता पूरा है, इसमें की पुड़िया मिली है। माहे रमजान में 4 जुमा यानी 4 शुक्रवार पड़ते हैं, जिसमें आखिरी जुमे को अलविदा के रूप में जाना जाता है। अलविदा होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से रमजान समेत सभी पर्व त्योहारों पर कोरोना का पहरा रहा, लेकिन कोरोना के मामले में कमी आते ही लोग खुलकर खुशियां मना रहे हैं। भागलपुर के विभिन्न खानकाहों और मस्जिदों में शुक्रवार को अलविदा की नमाज मुस्लिम भाइयों ने अकीदत के साथ अदा की। इस दौरान इबादत गाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं माहे रमजान के अंतिम जुमा पर उलेमाओं ने अलविदाई खुतबा पढ़ा। साथ ही ईद की नमाज अदा करने के पूर्व फितरा जकात की राशि गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम करने की बात कही। गौरतलब है कि चांद 1 मई को दिखा तो 2 मई को ईद मनाई जाएगी, नहीं तो 3 मई को। इधर अलविदा की नमाज को लेकर सुबह 11 बजे से ही मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मौलाना चक स्थित खानकाह शहबाजिया में सज्जादनशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने अलविदा की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद लोगों ने मुल्क की तरक्की और विश्व में शांति के लिए रब से दुआ मांगी। वहीं शाहजहानी मस्जिद में सामूहिक रूप से कजाए उमरी की नमाज पढ़ने के लिए भागलपुर समेत आसपास के जिलों से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। माहे रमजान के 4th जुमा पर ततारपुर, शाह मार्केट, भिकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गनीचक, हुसैनाबाद, मुजाहिदपुर, हाबीपुर, शाहजंगी समेत जिले के कई मस्जिदों में नमाजियों की संख्या अधिक दिखी। वहीं कुछ मस्जिदों के इर्द गिर्द पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। ततारपुर, खलीफाबाग और भिकनपुर मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कई इंतजाम थे। इधर भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने ऐलान किया कि ईद की नमाज भिकनपुर जामा मस्जिद में सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर में ईद की नमाज अदा करने के पूर्व फितरा और जक़ात का पैसा गरीबों में बांटने का संदेश दिया। मौलाना नसीम अहमद अशरफी ने ईद की खुशियाँ सभी धर्म और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर मनाने की अपील भी की है। अल्लाह के फजलो करम से आज हम लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की, यानी कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा आज था, खैर व बरकत वाला 70 जुमा के बराबर वाला जुमा था, आज हमसे रुखसत हो गया। अब अगर साल भर हम जिंदा रहेंगे तब ये बरकत वाला जुमा नसीब होगा, वरना नहीं होगा। ये महीना जो है आपको जैसा कि मालूम है खैरख्वाही का है, हमदर्दी का है, मिल्लत का है, इत्तेहाद का है, एक दूसरे से दर्द व गम में शरीक होने का है, दुख को बांटने का है, मौसात यानी दरगुजर करने का है, मुआफ़ी करने का है, वो सब ये चला गया। और 1-2-3 दिन बाद अब ईद की नमाज होने वाली है, जो अल्लाह ताला पूरे महीने के रोज़ा रखने वाले को इनाम देगा, जन्नत देगा, कामयाबी देगा। भागलपुर सदर SDO धनंजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शुक्रवार को भागलपुर स्टेशन चौक और लोहिया पुल के समीप दुकानदारों, फुटकर विक्रेता और व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण किए गए जगह को SDO, CO और CT DSP प्रकाश कुमार की मौजूदगी में खाली कराया गया। इस दौरान SDO धनंजय कुमार ने सभी दुकानदारों और वेंडरों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी देते हुए स्थायी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना भी वसूला गया। वहीं इसको लेकर SDO धनंजय कुमार ने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर की विधि व्यवस्था और ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सप्ताह में 4 दिन अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में कई जगहों पर अनावश्यक रूप से अतिक्रमण कर लिए
जाने के कारण राहगीरों और बाजार में आने वाले लोगों को जाम एवं भीड़ का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार अप्रिय घटना भी घट जाती है। एसडीओ ने कहा कि किसी भी अतिक्रमण करने की दोबारा शिकायत मिलने पर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सभी को कानून का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केंदुआर गांव में शराब बिक्री का विरोध करने पर बड़े भाई ने अपनी मां एवं छोटे भाई को चाकू से प्रहार कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद जख्मी रुकमणी देवी एवं उनके छोटे पुत्र भवेश दास का प्राथमिक उपचार अमरपुर के रेफर अस्पताल में कराया गया। वही घटना को लेकर जख्मी युवक ने बताया कि उसका बड़ा भाई रोहित दास घर में शराब बिक्री का धंधा करता है, जिसके कारण आए दिन असामाजिक तत्वों का घर पर आना जाना लगा रहता है और इसका विरोध करने पर उसके बड़े भाई ने चाकू से प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया, जबकि शोर सुनकर बीच बचाव करने आई मां को भी बड़े भाई ने पीट कर जख्मी कर दिया। हालांकि डॉक्टर की माने तो दोनों जख्मी की स्थिति खतरे से बाहर है। वही मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? भवेश दास। कैसे हुआ ये? कौन मारा तुमको? भाई मारा। मारपीट का कारण? मारपीट का कारण दारू बेचता था, हम मना किए उसको, इसीलिए मारा। भाई का क्या नाम है? रोहित दास। क्या चीज से मारा तुमको? चाकू से। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार की ओर से जल नल योजना शुरू की गई है, लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही सुल्तानगंज के मस्ती पंचायत के वार्ड 6-7 में जल नल योजना का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खासकर पीने के पानी के लिए लोगों को भारी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर प्राथमिक विद्यालय मस्ती के प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि विद्यालय में चापाकल नहीं होने के कारण स्कूल के करीब 125 बच्चों को पानी पीने में काफी परेशानी हो रही है, जबकि सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों तक पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके कार्यों के सुस्त रफ्तार के कारण लोगों को गर्मी के मौसम में जल संकट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इधर पंचायत के मुखिया का कहना है कि पीएसटी व विधायक कोटा से सभी पंचायत के 90% चापाकल खराब पड़े हैं और इसके लिए विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को जलापूर्ति में परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा पैसा का आवंटन नहीं होने के कारण पंचायत में भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। ये 2-3 साल हो गया है खराब। अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक। पानी है आप लोग के यहाँ? आता जल नल का? नहीं नहीं आता है। कहाँ से पानी लाकर पीते हैं? खरीद के पीते हैं और घर में ललका है, चापाकल चला के। ओ, घर पे है तो उपयोग करते हैं। मस्जिद पश्चिम से हम प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। क्या समस्या है विद्यालय की? विद्यालय में पानी की समस्या है। अभी पानी विद्यालय में 125 बच्चे नामांकन है, जिसमें कि 99-98 तक के बच्चे आते हैं। नहीं, जो ग्रामीण वाला नल है उससे पानी का सप्लाई होता है, लेकिन लाइन कटने के बाद बड़ी परेशानी होती है बच्चे को, इसलिए बाहर से हम पानी लाके मध्याह्न भोजन संचालन करते हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी जानकीपुर गांव निवासी राजू यादव की 60 वर्षीय पत्नी पंचाली देवी को गुरुवार की देर रात बदमाशों ने उसके घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वह इसके बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में पंचाली देवी को इलाज के लिए भागलपुर लाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सचित यादव एवं सुभाष यादव के घर में शादी थी, जिसको लेकर गांव में डीजे बज रहा था और गांव के लोग शादी में व्यस्त थे।
गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोग शादी का भोज खाने अमरपुर गए थे, जबकि वृद्ध महिला पंचाली देवी घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। इधर कुछ देर बाद घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने उन्हें इलाज के लिए अमरपुर रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया, लेकिन भागलपुर जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। माह रमजान के समापन में महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में इफ्तार पार्टियों का दौर भी काफी तेज हो गया है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष से इफ्तार पार्टी के आयोजन पर रोक लग गया था, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होते ही सभी तरह के सामूहिक आयोजन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को भागलपुर में कई जगहों पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने पहुंचकर रोजा इफ्तार किया, साथ ही नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। भागलपुर में डॉक्टर आरपी रोड स्थित प्लाजा मार्केट में चेयरमैन कलेक्शन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। दावत इफ्तार में मोहम्मद फयाज अंसारी, सुबोध कांत झा, मोहम्मद नदीम हैदर, रवि शंभू, मोहम्मद एजाज अहमद सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर मोहम्मद फयाज अंसारी ने कहा कि इफ्तार पार्टी आपसी भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नेकियों, रहमतों और बरकतों का पाक महीना रमजान हमें समाज में शांति, भाईचारे और प्रेम को बनाए रखने तथा समाज की खुशहाली के लिए प्रयासरत रहने का संदेश देता है। यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, जो हमें अपने संस्कारों से जुड़े रहते हुए हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है। मौके पर काफी संख्या में सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मालूम है आप लोगों के, रमज़ानुल मुबारक का लास्ट जुमा है। इस जुमे में अफ्तार का पार्टी किया गया। पिछले 2 साल से तो ये लॉकडाउन के कारण हो नहीं पाया था, अब की साल हो रहा है और इनके संचालक न्यू चेयरमैन कलेक्शन के माध्यम से ये किया जा रहा है। संदेश यही देना चाहते हैं कि अलविदा के आज विदाई हो रही है रमज़ान मुबारक की, इसको खुशियों से भर के सभी को दिल में सुकून मिले, सब एक भाईचारा बने, हमारे एक समाज में हमेशा सुख दुख में साथ में रहे और सब एक दुख में साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके एक शामिल चले। ये सर, मेरा नाम सुबोध कुमार झा हुआ, हम भागलपुर जिला के अंतर्गत नारायणपुर के रहने वाले। ये हमारी दोस्ती ये फयाज भाई से 1990 से बरकरार आज तक है, और इतना ही नहीं हम देशवासियों से ये भी बोलेंगे कि जिंदगी के सुख और दुख में हर मोड़ पर हमको मदद किए है। और ये जो त्यौहार है रमजान जो हम लोग बोलते हैं, ये कठोर साधना और कठोर तपस्या की ये चीज़ है, ये सबकी बस की बात नहीं है, ये कठोर साधना और तपस्या की बस की बात है। और 1990 से एक छोटा ऐसा ये बेचारे हमारे फयाज भाई ये प्रोग्राम रखते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के विनोबा नगर मध्य विद्यालय प्रांगण में शुक्रवार को एमडीएम के संचालन के लिए रसोइयों के चयन को लेकर आम सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वार्ड पार्षद बिंदु ने किया। इस दौरान बैठक में मौजूद वार्ड प्रतिनिधि किशन देव साह, सरपंच प्रतिनिधि रविशंकर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक चतुर कुमार गुप्ता, शिक्षिका सरिता कुमारी समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में सहसमिति से एक रसोइया का चयन किया गया। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक चतुर कुमार गुप्ता ने कहा कि रसोइया के चयन और बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के सर्वे को लेकर बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इधर शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय में जल नल योजना का लाभ नहीं मिलने से बच्चों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है, जबकि इस समस्या की जानकारी मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच को भी बैठक में दी गई। बोल रहा हूँ, आज प्राथमिक विद्यालय विनोबा नगर में एक आम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में सारे ग्रामीण लोग आए हुए हैं। ये हमारे यहाँ 3 रसोइया थी, एक रसोइया अपना कुछ समस्या लेकर के अपने पद से इस्तीफा दे दी हैं। कई दिनों से हमको भोजन बनाने में दिक्कतें आ रही थी, हमने एमडीएम आरपी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप बैठक कर नया रसोइया का चयन करवा लीजिए। बांका धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक मालाहाट के समीप गुरुवार की देर रात्रि अज्ञात वाहन ने बाइक से आ रहे धोरैया गांव निवासी अशोक कुमार सिंह के 25 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार सिंह की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक समेत धोरैया निवासी 55 वर्षीय गुदड़ यादव भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि रात्रि का फायदा उठाकर अज्ञात बाइक सवार भागने में सफल रहा। परिजनों ने बताया कि कुंदन कुमार सिंह की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिसे बंद कर वह वापस बाइक से घर आ रहा था, जबकि धोरैया निवासी गुदड़ यादव दूध का पैसा तगादा कर पैदल अपने घर आ रहा था, तभी मालाहाट के समीप अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायलों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
नाथनगर स्थित चंपानगर कुम्हार टोली में 24 घंटे का राम नाम धुन महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हरे राम हरे कृष्ण धुन के साथ महायज्ञ संपन्न किया गया। इस दौरान राम नाम धुन पर हवन के साथ यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई, जबकि 24 घंटा लगातार चल रहे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे के उच्चारण साथ महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं महायज्ञ के दौरान राम दरबार और कृष्ण दरबार में विशेष रूप से विशेष भोग भी लगाया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न जगहों में शुक्रवार को रमजान के अंतिम जुमा को लेकर रोजेदारों ने नमाज अदा की। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि रमजान के अंतिम जुमा पर हर्षोल्लास के साथ मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जबकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से रमजान में जुमा की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की जा रही थी। साथ ही कहा कि उन लोगों ने इस बार रमजान के अंतिम जुमा पर शाही मस्जिदों के साथ प्रखंड के तमाम मस्जिदों में भारत में सुख शांति होने और सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगे, इसके लिए अल्लाह से दुआएं मांगी। रमजान का जो लास्ट जुमा होता है उसको अलविदा किया जाता है, और रहा कि हम लोग शांतिपूर्वक से अलविदा पढ़ाया गया, खुदा से यही दुआ मांगा गया कि हम लोग 2 साल से श्रावणी मेला के पक्ष में रो रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, भूख मर रहे हैं, सरकार को ये होना चाहिए कि श्रावणी मेला चले इस साल, हम लोग बहुत दिक्कत से हैं। भागलपुर के पिपैती प्रखंड अंतर्गत लालू मैदान में आयोजित श्री महारुद्र यज्ञ को लेकर स्वामी आगमानंद जी महाराज के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। श्री महारुद्र यज्ञ को लेकर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि श्री महारुद्र यज्ञ आगामी 1 से 9 जून तक चलेगा, जिसकी शुरुआत कलश शोभा यात्रा निकाल कर की जाएगी, जबकि इस दौरान श्री राम कथा का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ के मुख्य यजमान प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी और पप्पू शाह हैं, जिसका समापन 10 जून को होगा। मौके पर मानिकपुर मुखिया अरविंद शाह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान, उषा देवी के अलावे काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। नाम हो गया स्वामी आगमानंद जी, और ऐसे साधु का तो कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन सनातन धर्म के संरक्षणार्थ शिव शक्ति योग पीठ नवगुछिया भागलपुर वो अधिवास मानते हैं जी। आज जो यज्ञ कहाँ पर शुरुआत की जा रही है इसकी? आज इस यज्ञ की शुरुआत यहीं पिरपैती बाजार में, पिरपैती मैदान में, और इस मैदान में महारुद्र यज्ञ और श्री राम कथा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कुमेठा मुख्य हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, बॉडीगार्ड ने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को दिया अंजाम। नवगछा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी जजल यादव सहयोगियों के साथ गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। 2 साल बाद मस्जिदों में हुई अलविदा की नमाज, रोजेदारों ने मुल्क में मांगी अमन चैन की दुआ। सदर एसडीओ के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, दोबारा अतिक्रमण करने वालों को दी चेतावनी। और अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर बड़े भाई ने मां और छोटे भाई पर चाकू से किया हमला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।